हेलो गाइस, यू आर वाचिंग ट्रैवलर शर्मा, दिस इज़ योर फ्रेंड नितिन शर्मा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक अनदर व्लॉग में। और आज मैं जाने वाला हूँ मैड्रिड सेंटर, क्योंकि हाल ही में मुझे पता चला कि वहाँ पर है एक इस्कॉन सेंटर, इस्कॉन टेंपल कह सकते हो आप उसको, छोटा सा, और वहाँ पे होते हैं चैंट्स। और वहाँ पर है एक इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जो कि हरे कृष्णा वालों की तरफ से ही है। सो यहाँ पे आपने देखे होंगे काफ़ी सारे जो अंग्रेज हैं वो कृष्ण जी के काफ़ी भक्त होते हैं। सो वहीं पर हम जाने वाले हैं, वहाँ का फूड टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि वो जो टेंपल है, वो जो मंदिर है, वो कैसा है। सो लेट्स गो देयर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है नितिन शर्मा, मैं बनाता हूं व्लॉग्स और मैं करता हूं इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड बातें इस चैनल पे। सो आप चैनल पे अगर आ गए हैं, टपक पड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलें। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है travelershirmaofficial। आज है सैटरडे, जुलाई चल रहा है और 23 तारीख आज है, और गर्मियाँ हो चुकी है स्पेन में भयंकर, और मैं जाने वाला हूँ बीच पे भी। सो बीच की वीडियोस बहुत जल्दी आने वाली हैं, सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी चलते हैं, बस पकड़ते हैं और सेंटर चलते हैं और देखेंगे कि कैसा है वो टेंपल। लेट्स गो। सो फाइनली रीच टू मोंक्लोवा, और ये है नीचे अंडरग्राउंड बस स्टैंड जहाँ से मैं अपने गाँव के लिए, जहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ से बस पकड़ता हूँ। और गांव से आने के बाद बस यहीं पे इसी जगह हमें छोड़ती है। सो अभी यहाँ से मुझे पकड़नी है एक फ्री सर्विस वाली बस जो कि मैं हमेशा पकड़ता हूँ मैड्रिड सेंटर जाने के लिए। पीछे ये शायद एयरफोर्स का ऑफिस है मेरे, ये आप देख सकते हैं। और जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाती है ना स्पेन में, तो जो मैड्रिड में लोग रहते हैं, क्योंकि मैड्रिड एकदम सेंटर में पड़ता है, तो बीचेस पे भाग जाते हैं। जुलाई और अगस्त दो महीने ऐसे हैं जब लोग यहाँ से भाग जाते हैं मैड्रिड से। सो अभी जुलाई चल रहा है तो भीड़ कम है सेंटर पे, आई होप भीड़ कम ही हो, और अगस्त में तो और कम हो जाती है। सो चलते हैं, बस पकड़ते हैं 001 जो कि हमें सेंटर लेके जाएगी, और वहाँ से हम जाएंगे जो वो टेंपल है, इस्कॉन टेंपल, उसको देखने के लिए। सो लेट्स गो। फाइनली रीच टू द डेस्टिनेशन विच इज़ काइए। काइए मीन्स स्पेनिश में होता है स्ट्रीट, इट्स ग्रान बिया। सो ग्रान बिया में मैं हूँ, और यहीं से पास में वो है सेंट्रो हरे कृष्णा, सेंट्रो मीन्स सेंटर हरे कृष्णा। सो लेट्स गो। सर्च करता हूँ मैं अपने फ़ोन में किधर है वो। अभी यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे जुलाई और अगस्त का समय है, तो जुलाई और अगस्त में जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी भीड़ यहाँ पे नहीं रहती है। सो लेट्स गो, और चलते हैं उस रेस्टोरेंट में और जाके देखते हैं कि क्या क्या खाने को मिलता है और कितने रुपये में मिलता है। लेट्स गो। सो ये दिखा रहा है कि बस थोड़ा सा बचा है, मैं पहुंचने वाला हूँ। लेट्स गो। यहाँ से स्ट्रेट जाके राइट लेना है, उसके बाद लेफ्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर मैड्रिड खाली हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ अगस्त और जुलाई, यहाँ पे कोई भटक भी नहीं रहा है दूर दूर तक, और मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारे जितने भी आपको अपार्टमेंट दिखेंगे, घर दिखेंगे, काफ़ी लोगों ने ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं, फ्लैग को स्पेनिश में बंदेरा बोलते हैं, ये LGBT का फ्लैग है, गे लेस्बियंस ट्रांससेक्सुअल लोग जो होते हैं उनके प्राउड दिखाने का कि हम LGBT हैं। सो हाल ही में जुलाई में अभी हुआ था यहाँ पे प्रोग्राम LGBT का, तो मेरे को जाना था रिकॉर्ड करने के लिए बट मैं जा नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी चलते हैं। लेट्स गो एंड सर्च करते हैं उस जगह को और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या है आज खाने में। सो अभी फ़िलहाल मैं हूँ हरे कृष्णा रेस्टोरेंट में, और एक्चुअली यहाँ पे जो कि चैंट्स होने वाले थे वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं, मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर सकता था जो भी चैंट्स थे यहाँ पे जो होते हैं, बट अभी फ़िलहाल वो ख़त्म हो गए। सो मैंने सोचा चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं और रेस्टोरेंट में देखते हैं कि क्या खाने को है। सो इन्होंने मेरे से 5 यूरो लिए हैं, वो डोनेशन होता है एक तरह से, और आज के जो खाने में मेन्यू में है वो है सैलड, और उसके बाद वी हैव सम फ्रिकोलेस जिसे बोलते हैं स्पेनिश में, फ्रिकोलेस का मतलब होता है सम टाइप्स ऑफ बीन्स, एंड देन वी हैव राइस, सो राइस का मतलब चावल, और जस्ट टेस्ट इट और देखते हैं कि कैसा है ताकि आपको बता सकूँ अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर आके खा सकते हो। सो लेट्स टेस्ट इट।
खाना जो है बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा तीखा है ना ज़्यादा फीका है, टेस्ट अच्छा है खाने का। आज वैरायटी थोड़ी कम है, लेकिन और दिन अगर आप आएंगे तो वैरायटी काफ़ी मिलेगी। इसके साथ साथ आपको जूस भी मिलता है, तो आप जूस भी ले सकते हैं। वाटरमेलन का ये जूस है। कहीं भी आप इंडिया में किसी भी आस्था वाली जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे जैसा नॉर्मल खाना होता है, ना ज़्यादा स्पाइसी ना ज़्यादा वो, तो ये वैसा ही खाना है, लेकिन सही है, अच्छा है। जो यहाँ के इंचार्ज है, मेरी उनसे बात हुई थी अभी एक हफ्ता पहले, उन्होंने बोला था आप आ जाओ, पूछ लेना किसी से भी मेरे बारे में, बट अभी वो छुट्टियों पे गए हुए हैं तो उनसे मैं नहीं मिल पाऊँगा। बाकी मेरा जो मकसद था यहाँ पे आने का वो ये था कि जो चैंट्स होते हैं यहाँ पे वो उनको रिकॉर्ड करना, कि कैसे यहाँ पे कृष्ण जी की भक्ति में लीन होकर यहाँ पे गाने वाने लोग गाते हैं, बजाते हैं और मनोरंजन करते हैं, बट ये तो हो नहीं पाया। सो अभी मैं रेस्टोरेंट में हूँ और मैं खाना खा रहा हूँ। ¿Puedo tener un poquito de arroz, por favor? Sí. ¿Más? Ya está, muchas gracias. एक और ख़ास बात है इस रेस्टोरेंट में कि आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं दोबारा से, और जब तक आपका पेट नहीं भर जाता। तो मेरे लिए थोड़ा तीखा कम है तो मैंने ऊपर से थोड़ा तीखा डाल दिया है और मुझे अच्छा लग रहा है। और एक और ख़ास बात यहाँ पे कि ये जो प्लेट है ये वैसी प्लेट है जो इंडिया में होती है, हमारे घरों में मिलती है, जिसमें आप एक में सब्जी रखते हैं, एक में सैलड रखते हैं और एक में अचार रखते हैं, फिर एक में रोटी थोड़ी सी और चावल, सो सारा कुछ एक ही उसमें आ जाता है। सो अभी मैंने ऊपर से थोड़ा सा मसाला डाला है, चेक करता हूँ कि कैसा है। सच कहूँ तो अब थोड़े मेरे मतलब का आया, जस्ट बिकॉज मैंने इसमें जब मसाला डाला तो और अच्छा लगा। खाना बिल्कुल ही सादा और सिंपल है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं 5 यूरो 6 यूरो 7 यूरो जो भी आपका दिल करे, और आके खाना खा सकते हैं, और चैंट्स में भी आप यहाँ पे आके चैंट्स को सुन सकते हैं। Muchas gracias, muy amable. सो खाना तो मैंने खा लिया, लंच मैंने खा लिया। सो रेस्टोरेंट जो है वो काफ़ी साफ़ सुथरा, काफ़ी अच्छा है और खाने में टेस्ट था। मेरे लिए थोड़ा सा फीका था क्योंकि मैं मिर्च मसाला ज़्यादा खाता हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक ऊपर से अलग से डाला है। और अभी मैं लेमनेड पी रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो तरह की ड्रिंक्स हैं, एक है वाटरमेलन और एक है लेमनेड। सो अभी मैंने वाटरमेलन चेक करी थी, काफ़ी अच्छी थी, और अभी मैं लेमनेड चेक कर रहा हूँ। तो चैंट्स तो हम नहीं देख पाए क्योंकि मैं अगली बार आऊँगा, मैं यहाँ जो इंचार्ज है उनको फ़ोन करूँगा और उनको फ़ोन करने के बाद ही यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि वो भी छुट्टियों पे गए हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैड्रिड में छुट्टियाँ चल रही हैं। तो यहाँ पर है ये हरे कृष्णा सेंटर का जो कि किचन है, जो कि यहाँ पर फूड बनता है। सो ये यहाँ पर इनके मसाले रखे हुए हैं, बाकी यहाँ पर खाना बनता है इनका सेंटर में। काफ़ी क्लीन है ये जगह और काफ़ी बढ़िया, काफ़ी नाइस। तो ये था हरे कृष्णा सेंटर रेस्टोरेंट हरे कृष्णा, जो कि मैं आपको लिंक नीचे डाल दूंगा इसमें वीडियो में, जो कि ये जगह है जिस जगह पर है, और सांतो डोमिंगो करके एक स्टेशन है मेट्रो का, उसी से पास में ही है। सो मैंने अभी अंदर खाना खाया और काफ़ी सही, काफ़ी शांत स्वभाव के लोग अंदर थे और उन्होंने मुझे रिकॉर्ड भी करने दिया। मैंने पूछा, जो मेन जो इंचार्ज हैं वो यहाँ पर थे नहीं अभी, सो उनसे मैं अगस्त के बाद मिलूँगा। सो अभी चलते हैं और देखते हैं और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर। और आई होप ये वाला रेस्टोरेंट आपको पसंद आया हो, अगर आप मैड्रिड स्पेन आते तो आप यहाँ पर आके इन्जॉय कर सकते हैं इस जगह पर। और लेट्स गो फ्रॉम हियर।
इस रेस्टोरेंट की, हरे कृष्णा की, मुझे खास बात जो एक बहुत ही खास बात लगी कि जो भी लोग अंदर घुस रहे थे वो सब एक चीज़ ज़रूर बोल रहे थे एक दूसरे से, जैसे कि हरे कृष्णा। सो क्योंकि ये डिवोटीज़ हैं तो हरे कृष्णा बोलना बनता है। और ये जन्माष्टमी की भी बात कर रहे थे और इन्होंने मेरे को बताया कि जो यहाँ पे अभी इंचार्ज है, टेम्प्रेरी जो इंचार्ज है, क्योंकि जो मेन इंचार्ज है वो तो गए हुए हैं घूमने के लिए, मतलब छुट्टियों पे। सो जो टेम्प्रेरी जो इंचार्ज है उन्होंने बताया कि 21 अगस्त को यहाँ पे कुछ फंक्शन है, बाकी हर संडे को यहाँ पे चैंट्स होते हैं हरे कृष्णा के, तो वो देखने आप आ सकते हैं। सो मेरा मन तो है, मैं आऊँगा कुछ टाइम बाद यहाँ पे। ये मेरे पीछे तो बस है, ये madridcitytour.com की बस है और 30 यूरो के आसपास लेती है और ये पूरा मैड्रिड का चक्कर आपको देती है, तो इससे भी आप घूम सकते हैं पूरा मैड्रिड। लेकिन ये आपको बार बार से दिखाएगी जो मेन चीज़ें हैं, मतलब बस में बैठ बैठ के। और इसकी टिकट आपको कहाँ से मिलेगी, यहीं से ही ग्रैंड विया जो स्ट्रीट है वहाँ पे ऐसे ही शॉप्स हैं जहाँ से आप ले सकते हैं। सो अभी रोड क्रॉस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है रोड क्रॉस तभी करते हैं जब लाइट ग्रीन हो रखी हो। रेड पे क्रॉस करने का मतलब कोई आपको उड़ा के चला जाएगा, जैसे इंडिया में करते थे ना, रेड है तो कोई नहीं आ रहा तो चले जाओ, लेकिन यहाँ पे लोग रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ की बहुत ज़्यादा। जैसे अपने इंडिया में जो न्यू दिल्ली में सीपी है, कनॉट प्लेस, वहाँ पे पालिका बाज़ार है। अगर आप इंडिया दिल्ली में हो, आप दिल्ली से हो, तो वहाँ पे पालिका बाज़ार में आपको चोरी की चीज़ें मिल जाती हैं या सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, वैसे यहाँ पे ये लोग अपने देश छोड़ के आ जाते हैं अफ्रीका से या कहीं से भी, और यहाँ पे आके फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी के बैग्स, शूज़ और पता नहीं चश्मे, पता नहीं क्या क्या बेचते हैं। सो जैसे ही पुलिस आती है, ये लोग, इन्होंने रस्सी बांध रखी होती है, और जैसे ही पुलिस आती है रस्सी को ऐसे करते हैं और सारा एक ही बारी में समेट के भाग जाते हैं। सो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे, अगर आपको फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी कुछ, थर्ड कॉपी कुछ बैग वैग लेने हैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी मम्मी के लिए, किसी के लिए भी, सो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये आपको तोल बोल भाव भी कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब सस्ते में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है travelershama_official, आपको दिख जाएगा यहाँ पे। और कुछ नहीं, ट्रैवलर शर्मा साइनिंग आउट फ्रॉम मैड्रिड, मिलेंगे नेक्स्ट किसी ब्लॉग के साथ या किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते रहें ट्रैवलर शर्मा।